यस में आप सभी का स्वागत है। और कल जो है धनतेरस है, यानी धन त्रयोदशी। तो आने वाले त्यौहार में जनरली लोग हमारे यहाँ भारत देश में सोना खरीदते हैं, राइट। तो सोना जब आप खरीदते हैं तो क्या आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बेच देते हैं? नहीं ना। सोना गृहिणियों की शोभा होती है, या आप अगर अंगूठी वगैरह ख़रीदते हैं, कोई शुभ चीज़ लेते हैं इस त्यौहार में, दिवाली के पहले धनतेरस में, धन त्रयोदशी पे। तो उसी प्रकार मैं एक स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ जो आप सोने की तरह है, वो भी उसकी चमक आगे भी आपको काफ़ी अच्छा उसे मुनाफा मिल सकता है, और उसको लंबे समय के लिए आप होल्ड रखिएगा, आपको सोना से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। समझ गए आप क्या कह रहा हूँ मैं? तो जो मैं बताने जा रहा हूँ कंपनी सभी जानते हैं लेकिन एहसास नहीं है किसी को, तो उसके हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। और अग्रिम एडवांस में आप सभी को धन त्रयोदशी और दीपावली की शुभकामनाएं। आगे वीडियो बनाता रहूँगा दीपावली के उपलक्ष में, फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का जो स्टॉक है, जो कंपनी है, उसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड देखिए 164 रुपये का है आज 24 अक्टूबर 2019 को, मार्केट बंद हो चुकी है, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी 164। एक वर्ष में 130% का रिटर्न दिया है, और 6 मंथ में करीब करीब 39% मान के चलिए। तो ये जो कंपनी है क्या करती है, जिनको नहीं पता, मैं एक लाइन में यही कहूँगा कि आपसे सोना लेके आपको लोन देती है। टॉप सेगमेंट में इनका यही है। अगर आपको लोन चाहिए, कैश चाहिए, नगद चाहिए, बाइक चाहिए, कुछ और लोन चाहिए, आप गोल्ड रखिए, गिरवी रखिए। और सबसे बड़ा जो टेंशन वाली बात नहीं है इसमें निवेशक को, कि जो ये कंपनी है इनके पास सोना रहता है तब ये जाके अगले कस्टमर्स को जो है लोन देते हैं। तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या जो नहीं उनको रिकवरी हो पाती, तो ये उनका सोना ऑक्शन करके बेच के जो है रिकवरी कर लेंगे। तो इनको किसी प्रकार का रिस्क नहीं है कि सोना रख के कैश देना। जनरली लोग इस कंपनियों के पास क्यों जाते हैं? जो पुराने लेंडर्स होते थे, मुनीम टाइप के लोग, उस टाइप के लोग, धरना सेठ हुआ करते थे, उनका जो ब्याज रेट होता महंगा होता है, तो उसके अपेक्षा यहाँ पे सुरक्षित और थोड़ा सा सस्ते भाव में ये पैसा दे देते हैं बजाय वहाँ पे। तो इस प्रकार ये कंपनी काम करती है, मैंने मोटा मोटा एक लाइन में जो बताया आपसे। तो मन्नापुरम के अगर आप 100 शेयर लेंगे, मान लीजिए कि अगर आप एक अंगूठी सोने की ख़रीदने जाते हैं, गोल्ड की, या चैन ख़रीदने जाते हैं, या फिर कोई मंगलसूत्र, तो 15-16 हज़ार से नीचे तो भैया मिलने वाला नहीं है, मैं आपको सच बता दूँ। ठीक ठाक एक अच्छी कंडीशन का अच्छा सोना 24 कैरेट का आपको जो है 16-17 हज़ार के आसपास, 20 हज़ार के आसपास आपको पड़ेगा। उसी प्रकार से सोने जैसा ये स्टॉक है। हालांकि देखिए शेयर मार्केट है, लेकिन जिनको सोने जैसा खरीद, जैसे आप गोल्ड खरीद के रखते हैं वैसे इसके शेयर खरीद के रख लीजिए। मैंने बता भी दिया कि मन्नापुरम फाइनेंस के साथ कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि रिटेल में ज़्यादा काम करते हैं और सोना रख के लोन देते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का आपको डर नहीं है, भय नहीं है, है ना। तो ये एक बार हो सकता है कि बजाज फाइनेंस जिस प्रकार से भागती जा रही, हो सकता है बजाज परसेंट का ये आधा भी रिटर्न आपको देना शुरू कर दे। देखिए बजाज फाइनेंस ज़्यादा रिटर्न दिया है एक साल में, 130% का रिटर्न है बजाज फाइनेंस, अभी 94 समथिंग रिटर्न है उसका एक साल में। तो मन्नापुरम गोल्ड, वाकई मन्नापुरम फाइनेंस एक सोने जैसा बिहेव कर रहा है और सोने से ज़्यादा रिटर्न भी दे क्या। तो क्यों ना आप वर्चुअल रूप में आप अपने डीमेट अकाउंट में इसके कल शेयर ख़रीदें। देखिए मैं कहने के लिए डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, एक मैं आपको शेयर मार्केट में, क्योंकि ये है जो हमारा चैनल है शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है। तो कल त्यौहार के पर्व, कल परसों जब भी आपको दिवाली पे ख़रीदना हो, दिवाली पे ख़रीदिए। तो आप चाहें तो मन्नापुरम फाइनेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा भाग चुका है, तो कोई भी चीज़ सीधे एक तरफ नहीं चलती, हो सकता है कि नीचे के लेवल पर भी आवे, तब आप बाद में और ख़रीद लीजिएगा, वो आपका इशू। लेकिन अगर आप कि जो क्षमता है 10 शेयर ले सकते हैं, 50 शेयर ले सकते हैं, 100 शेयर ले सकते हैं, जो भी आप शुभ चाहते हैं एक सोने जैसा अपने आप डीमैट अकाउंट में रखने की सोच रहे हैं, तो आप ये स्टॉक बिंदास ले सकते हैं। इस पे मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अच्छे रिटर्न पहले भी दिए हैं, आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न देते रहे, क्योंकि इसे फंडामेंटल और इसका कामकाज
काफ़ी अच्छा है, उतना इस प्रकार से आप जो है इसे कंसीडर कर सकते हैं। रही बात, कई लोगों ने मुझसे कहा था कि सर दिवाली पे कोई वीडियो ऐसा बनाइए जो अच्छा हो, तो चलिए दिवाली पे देखिए मन्नापुरम फाइनेंस हो गया। कल हो सकता है कि एक बहुत धाकड़ कंपनी की, जिसको मैं हीरा बोलता हूँ, इसको तो मैं गोल्ड बोलता हूँ, उसको तो मैं हीरा बोलता हूँ, तो कोशिश रहेगी कि अगर उस पर मैं समय मिला तो मैं बनाऊँगा ज़रूर वीडियो आपको कि वो हीरा क्या था। अगर आप चाहें तो मेरे जो चैनल है उस पर आप जा भी सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कहीं पे वीडियो देखे नीचे आ गए है ना, तो बताया था कि उस हीरे को आप भर लीजिए इस गिरावट में, और वो हीरा थंबनेल पे मैंने मेंशन नहीं किया, जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो ज़रूर इससे परिचित होंगे, राइट। तो यहीं पे कहीं था, और मैं स्टॉक का नाम भी बता देता हूँ, वो था ITC लिमिटेड, वो मैंने बताया था ITC लिमिटेड के बारे में, तो वो भी उसका भी जल्द में उसके रिजल्ट्स संभवतः आज आ जाएंगे, आ गए होंगे, तो भी मैं उस पर डिटेल्स में बनाऊंगा, तो वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे अभी खड़ा है और आने वाले समय में काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा दे सकता है। मन्नापुरम की जहाँ बात रही, तो यहाँ पे हम कुछ क्वार्टर्स के अगर नतीजे देख लेते हैं फटाफट, तो 5 क्वार्टर के यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अगर हम देखते हैं कि जो पिछले वर्ष जून 2018 में 781 करोड़ की जो नेट सेल्स थी, वो देखिए जून 2019 में हो गई 949 की, यानी कि ग्रोथ है। और इसी प्रकार नेट प्रॉफिट में भी जहाँ 171 करोड़ की पिछले वर्ष के क्वार्टर में थी, वहीं जून 19 में हो गई 220 करोड़ की। इवन लास्ट क्वार्टर यानी मार्च 2019 से अगर कंपेयर करते तो भी यहाँ नेट सेल्स में ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे अगेन ग्रोथ है। तो जो कंपनी कमा रही है, जाहिर सी बात है आपको जो है सोने जैसा रिटर्न भी मिलेगा, और प्रमोटर्स की थोड़ा स्थिति देखनी होती है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 35.12% की होल्डिंग है, और यहाँ पे जो गिरवी शेयर थे तो पिछले के जो कुछ क्वार्टर्स में थे तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ इन्होंने रिकवर किया हुआ है। यहाँ पे प्लेस शेयर्स 3.38 ही रह गए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में थे 4.9 प्लेस शेयर्स थे। FIIs इसमें मेजरली जो होल्डिंग है उनकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ये रिटर्न उठा रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। 44.68% की इनकी जो है होल्डिंग है, कब्जा कर रखा है इन्होंने, पूरा खरीद रखा, भर रखा है इन्होंने, है ना, मन्नापुरम में, तभी जो है इंक्रीज़ हुआ है सितंबर में, यहाँ पे मार्च 19, यस 44.368, या टोटल DIIs हैं 8.12%, और जो खुदरा ग्राहक हैं यहाँ पे 12, और म्यूचुअल फंड्स भी हैं इसमें, ये स्थिति है। तो एक शानदार कंपनी, और मैं आपको डिविडेंड भी दिखाता हूँ कि अगर आप इसको लेके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ देती है जो कि टैक्स फ्री है। तो सोने जैसा स्टॉक, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 55 पैसे, एक सेकेंड सोड़ा था इसकी फोरा, अच्छा साल में वाह, यहाँ पे देखिए हर साल 4 दफ़ा, यानी कि हर क्वार्टर में देती है क्या, देखिए 2016 में भी 4 बार दिया, 2017 में 4 बार दिया, 2018 में 4 बार, 2019 में भी 3 बार दे चुकी है, नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है फिर दे दे। किस प्रकार से, पहला इन्होंने 55 पैसे पर शेयर, फिर अगेन 55 पैसे पर शेयर, फिर 55 पैसे पर शेयर, तो एक अच्छा रेशियो है, अच्छा डिविडेंड दे रही है, 4 बार डिविडेंड दे रही है साल में। अब क्या चाहिए आपको, टैक्स फ्री आपके खाते में आ रहा है, आप उसको फिर इन्वेस्ट कीजिए या कुछ अपने खर्चे पाने में इस्तेमाल कीजिए, आप इंजॉय कीजिए, त्यौहार मनाइए। तो शानदार डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, साल में 4 बार देता है, ये एक अच्छी चीज़ है। कुछ मार्केट कैप वगैरह हम अगर देख लें तो एक 13,000 यानी मिड कैप कंपनी है, 13,439 करोड़ की, फेस वैल्यू ₹2 की है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका जो है 13.42 का है, EPS है 11.86 का, प्राइस टू बुक है 3.07, डिलीवरी इसके 26%, और डिविडेंड यील्ड 1.3%, जैसा कि हमने दिखा दिया आपको किस प्रकार का है। तो ये रही स्थिति, एक अच्छा स्टॉक आपको त्यौहार के लिए, अगर आप चाहें तो कुछ शेयर्स इसके फिर से मैं कह रहा हूँ, और कल फिर से एक नया स्टॉक, कल या परसों जो भी है, एक अच्छा सा दिवाली के उपलक्ष्य में बनाने की कोशिश करूँगा कि कौन हो सकता है। मुझे लगता है कि ITC के नतीजे आ चुके हैं, तो क्यों ना कल ITC पे बनाया जाए, या लेट्स सी
कोई और अच्छी कंपनी भी अगर कुछ दिमाग में मेरी सूझ गई तो आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल मैं यहीं पे अपना वीडियो वाइंड अप करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। आप सबको फिर से एक बार त्यौहार की शुभकामनाएं, खूब फले फूलें, लक्ष्मी माँ कृपा आप सब पे बनी रहें, खूब सारा माल आप शेयर बाजार से कमाएं, मेरी यही कामना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।